Hello everyone, I hope you all are fine. So as you know that we are conducting these type of webinars weekly basis, so it will enhance your knowledge. So today we are going to discuss about, आज हम इस सेशन में ऑटोमोबाइल ट्रेडर्स के लिए ये जो इम्प्लीमेंटेशन बिजी में हम कैसे कर सकते हैं और क्या क्या फीचर्स इसके अंदर दिया गया है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. एंड तक आप बने रहिए इस वेबिनार में. अगर आपको कोई क्वेश्चंस डाउट्स रहेगा तो आप इसको नोट करके चैट बॉक्स में पूछ सकते हो. सो आइए हम सेशन को शुरू करते हैं. एफर्टलेसली मैनेज योर ऑटो पार्ट स्टोर विद बिजी. इफ यू रन ए ऑटो स्पेयर पार्ट स्टोर एंड आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन मैनेजिंग योर बिलिंग इन्वेंट्री एंड जीएसटी, डोंट वरी, वी हैव द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू. इन बिजी यू कैन इजीली मैनेज योर बिलिंग इन्वेंट्री जीएसटी एंड अदर टास्क. यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऑटो स्पेयर पार्ट स्टोर में क्या क्या चैलेंजेस आता है आपको. जैसे कि आपको पता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इट मींस एक प्रोडक्ट होता है, उसमें प्रोडक्ट में सीरियल नंबर, पार्ट नंबर ऐसा बहुत सारे होता है. और काउंटर पे आप देख सकोगे तो वहाँ पे बहुत सारे क्यू, काउंटर में बहुत सारे लोग रहता है. ये चैलेंजेस रहता है कि फास्ट बिलिंग, तो बहुत सारे इन्वेंटरी स्टॉक्स होगा, उसको सर्च करना है, रैक वाइज अपने ढूंढ के पिक करके लेके आना है और बिल बनाएंगे, तो आपको मैन पावर का भी जरूरत पड़ेगा. साथ ही साथ आपका ये जो कंप्यूटर स्पीड चलाना चाहिए और फास्ट बिलिंग का भी नेसेसिटी पड़ता है. अगर यहाँ पर आपको चैलेंजेस को देख सकते हैं, हाउ टू मैनेज फास्टर बिलिंग. देखिए बिजी के बात करें तो बिजी के अंदर ये जो एडवांस्ड पॉइंट ऑफ सेल का POS का फीचर हमने दिया है, इसको यूज करके आप स्पीड बिलिंग कर सकते हो. सर्च करना है आइटम, आपको सर्च करना हो तो अलियास नेम के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, नाम के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, बारकोड के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, तो जल्दी आपको उस आइटम मिल जाता है. आपको पता है ऑटोमोबाइल ट्रेडर्स में तो 5,000-10,000 SKUs रहता है, तो इस कंडीशन में आपको सर्च करना बहुत ईजी होना चाहिए. तो अगर आप POS का पॉइंट ऑफ सेल का ये स्पेसिफिक फीचर अगर आप यूज करते हो, सॉल्यूशन आपको ये यूज करते हो, तो आपको सॉल्यूशन बिजी में मिल जाता है. और ये भी प्रॉब्लम होगा कि अगर हाउ टू मैनेज ब्रांड एंड मॉडल वाइज इन्वेंट्री, एक स्पेसिफिक आपका क्वेरी माइंड में रहेगा कि हम कैसे इस ब्रांड वाइज मॉडल वाइज मैनेज कर सकते हो. जैसे कि अगर हीरो होंडा का एक ब्रांड है, हीरो होंडा का हेडलाइट के अंदर आपको उस स्पेसिफिक ब्रांड डिफाइन करना पड़ता है. अगर यमहा का है तो यमहा का ब्रांड स्पेसिफाई करना पड़ता है उस हेडलाइट के लिए. जैसे कि उस हेडलाइट अलग अलग मैन्युफैक्चर से आपको आएगा, एक तो ब्रांडेड कंपनी से आएगा, हीरो होंडा से ही आएगा, वरना कोई सेकेंड लेवल पे कुछ अलग मैन्युफैक्चर ने उनका सेम कॉपी करके उसका एक प्रोडक्ट बना के आपको बेच देता है. हीरो होंडा का हेडलाइट का सप्लायर अलग अलग होगा, तो इस सिनेरियो पे आपका सप्लायर का नाम और मैन्युफैक्चरर का नाम और ब्रांड का नाम और मॉडल का नाम किस तरीके से आपको करना है वो आप डिसाइड करके बिजी में एट्रीब्यूट बना सकते हो. एट्रीब्यूट का मतलब पैरामीटर करके एक ऑप्शन है बिजी में. ये पैरामीटराइज्ड डिटेल्स का सॉल्यूशन आपको बिजी में है, जिसको यूज करके आप इजीली मैनेज कर पाओगे. और हाउ टू मैनेज सीरियल नंबर एंड वारंटी ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स. ये बड़ा बड़ा जरूरी है कि आपका सेगमेंट में अगर इलेक्ट्रिकल का कुछ आइटम है, बैटरी हो सकता है, बैटरी को तो वारंटी है 1 साल का, फिर उसको ट्रैक करना जरूरी है. लेकिन इसको ट्रैक करने के लिए हमारे इसमें इन्वेंट्री के फीचर के अंदर एक सीरियल नंबर वाइज डिटेल करके एक स्पेसिफिक एक सॉल्यूशन है, इसको यूज करके आप आसानी से इसको ट्रैक वगैरह कर सकते हो. कल के दिन बैटरी आपने सेल करा, 1 मंथ के बाद बैटरी में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, उस वारंटी अंडर है, तो फिर कस्टमर आके पूछेगा तो आपको उसको चेक करके बता सकते हो बहुत सिंप्लीफाई तरीके से. इसका सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट रेडी रहती है बिजी में और इसका वारंटी भी आप कैप्चर कर पाओगे. हाउ टू कैलकुलेट मैकेनिक वाइज कमीशन. ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपको पता है आपका एरिया में आप दुकान खोलोगे ऑटोमोबाइल का, तो वहां पर नजदीक कोई गैरेज होता है, टू व्हीलर सर्विस सेंटर, फोर व्हीलर सर्विस सेंटर होगा, उनके साथ आपका बॉन्डिंग रहता है. वो अगर कोई आइटम खरीदने के लिए आपके पास ही आएगा, नहीं तो आप मैकेनिक के साथ अच्छे से तरीके से रिलेशनशिप बना के उनको ये कह सकता है तो मेरे से ही आइटम खरीद लो ताकि मैं आपको कुछ कमीशन प्रोवाइड करेंगे. तो इस तरीके से कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है, तब उनको कमीशन देने के लिए बिजी के अंदर ये जो रिपोर्ट है मैकेनिक वाइज कमीशन, तो ये आप जनरेट करके वहां से चेक कर पाओगे कि कौन से मैकेनिक ने कितनी सेल्स पकड़ के आया है, उनको क्या कमीशन मैं देना है.
तो ये कहते हैं मैकेनिक वाइज रिपोर्टिंग, ये भी बिजी में सॉल्यूशन हम दिया है। हाउ टू मेंटेन डीलर एंड एंड कस्टमर वाइज प्राइस एंड डिस्काउंट, जैसे कि अगर आपको पता है डीलर वाइज, अगर डीलर वाइज मैनेज करना है, अलग अलग डीलर रहता है आपका एरिया में, और डीलर वाइज मैनेज करना है, कस्टमर वाइज मैनेज करना है, डीलर मतलब सप्लायर भी हो सकता है, और डीलर वाइज, सप्लायर वाइज और कस्टमर वाइज आपको अलग अलग प्राइस सेट करना है। जैसे कि हीरो होंडा का स्पेसिफिक ब्रांड के लिए मैं ये कैटेगरी कस्टमर के लिए 30% का डिस्काउंट देना है, बी कैटेगरी कस्टमर के लिए 20% का डिस्काउंट देना है, और प्राइस भी सेट कर सकते हो, डिस्काउंट भी सेट कर सकते हो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये ब्रांड के अनुसार वेरी होगा, कभी ने कभी कभी ब्रांड वाले ने बता देगा कि आप इस प्रोडक्ट पे इतना कमीशन देना है करके, तो उस हिसाब से आप कॉन्फिगर करके कस्टमर्स को डिस्काउंट्स वगैरह दे सकते हैं, नहीं तो दुकान आपका मर्जी से आप कुछ ऑफर वगैरह सेट करके, प्राइस वगैरह सेट करके कस्टमर्स को सेट कर सकते हो और उसको सेल कर सकते हो। बिजी में ऐसा एक प्रोविजन है मल्टीपल प्राइसिंग मोड, तो ये प्रोविजन को यूज करके आप बिजी में सॉल्यूशन पा सकते हो। उसके बाद हम बिजी में और भी बहुत सारे ऑप्शंस दे दिया है कि मैनेज एरिया वाइज डीलर्स। अगर आप एक स्पेसिफिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का डीलर हो और स्पेसिफिक दुकान आप चलाते हो, तो वहां पे एरिया वाइज आपको डीलर्स और कस्टमर्स को मैनेज करना पड़ेगा। तो ये बिजी में आपको ऑप्शनल फील्ड करके है, उसको यूज करके एरिया मेंशन कर सकते हो, उसके पार्टी वाइज उसको टैगिंग कर सकते हैं, तो उस हिसाब से रिपोर्ट आपको मिल जाती है। फाइनली कोटेशन ऑर्डर प्रोसेसिंग भी जरूरी है कि आपने किसी पार्टी से ऑर्डर ले लिया, उस ऑर्डर के बाद आपको कोटेशन भी एंटर कर सकते हैं, उस कोटेशन को इनवॉइस में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि कोटेशन कितना पेंडिंग है, उन्होंने कितना रिक्वेस्ट आपसे किया था, आप कितना उसको फुलफिल करा, ये दोनों रिपोर्ट आपको बिजी में मिलेगा। साथ ही साथ आपको डिलीवरी चलन ट्रैकिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी पार्टी को बिल पेमेंट बाद में रिसीव करोगे, तब वो बोलेगा पेमेंट तो मैंने बाद में दूंगे, तब आपको टैक्स इनवॉइस देने के बजाय डिलीवरी चलन दे सकते हैं, डिलीवरी चलन दे सकते हैं, पेमेंट करने के बाद में इनवॉइस इशू कर सकते हैं, उसको ट्रैक भी कर पाओगे। बारकोड एंड क्यूआर कोड मैनेजमेंट, देखिए बारकोड एंड क्यूआर कोड बिजी में इजीली आप इसको कॉन्फिगर कर सकते हो, डिजाइनिंग कर सकते हो, साथ ही साथ प्रिंट करके आपका आइटम के ऊपर लगाना हो तो वो भी कर सकते हो। फाइनली एंड ऑफ द डे आपको कस्टमर आएगा तो स्कैन करके बिल बना सकते हैं। क्यूआर कोड स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर द पेमेंट पर्पस, अगर आपको पेमेंट के क्यूआर कोड प्रिंट करना है और इसको आपने आपका इनवॉइस में प्रिंट करना हो तो कर सकते हैं, तो ताकि कस्टमर आपको ये बिल इनवॉइस आप कस्टमर को इश्यू करेंगे तो कस्टमर स्कैन करके पेमेंट करेंगे। यूजर कॉन्फिगरेबल इनवॉइस एंड प्रिंटिंग, इनवॉइस के अंदर आपको लोगो लगाना है, जैसे कि सेकेंड लैंग्वेज में भी इनवॉइस प्रिंट कर सकते हो, उस पे कोई चेंजेस करना है, डिस्काउंट का कॉलम ऐड करना है, MRP कॉलम हटाना है, टर्म्स एंड कंडीशन लगाना है, पेमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन लगाना है, डिक्लरेशन लगाना है, सिग्नेचर लगाना है, और कोई QR कोड लगाना है, कुछ भी करना है, तो बिजी में सब कुछ यूजर कॉन्फिगरेबल है। आप डिसाइड कर सकते हो आपको कैसे इनवॉइस प्रिंट करना है, उस हिसाब से एक ब्यूटीफुल इनवॉइस आप डिजाइन कर पाओगे। मल्टी गोडाउन इन्वेंटरी भी आपका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगा ऑटोमोबाइल के लिए, अगर दुकान में स्पेस नहीं है आइटम्स वगैरह स्टॉक वगैरह डंप करने के लिए, तो अलग से आप वहां पे एक गोडाउन मैनेज करते हो, ताकि एंड ऑफ द डे आपको ये समझना जरूरी होता है कि दुकान में कितना स्टॉक है, गोडाउन में कितना स्टॉक है, तो वहां पर क्या स्टॉक है, कितनी स्टॉक है, कितनी वैल्यू का स्टॉक पड़ा है, तो ये सब कुछ जानना जरूरी होता है, क्योंकि सब कुछ आपका एक तरीके से गाड़ी का पार्ट्स मतलब एक महंगा प्रोडक्ट रहती है, उसमें से एक ही प्रोडक्ट जो मिस हो जाता है तो बड़ा नुकसान होगा, तो इसलिए आप मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री पे स्टॉक स्टेटस जानना जरूरी होता है। सो एडवांस GST मैनेजमेंट आप इसमें कर सकते हैं, अगर इनवॉइस का वैल्यू 50,000 से ऊपर चला गया तो ई वे बिल ले सकते हो, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, ई रिटर्न फाइलिंग वगैरह जरूरी कर सकते हैं, अगर आपको CA को ऑडिटर को फाइल देना है तो बिजी से एक्सेल एक्सपोर्ट करके उनको फाइल दे सकते हैं, वैसे ही आपको बहुत सारे वैलिडेशन यूटिलिटी अवेलेबल है कि आपने GST नंबर डाल के पार्टी बना सकते हो, GST नंबर बल्क वैलिडेशन कर सकते हो, HSN बल्क वैलिडेशन कर सकते हो, कल के दिन GST रेट बदल गए, HSN कोड बदल गए, डेट के हिसाब से उसको फिक्स करा सकते हैं। सो इसके अलावा आपको GSTR 1, 2A, 2B, 3B रिकंसिलेशन कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप किसी वेंडर से आइटम खरीद लिया
उन्होंने जीएसटी भरा, लेकिन उसमें कोई मिसमैच होता है, वो रिकंसिलेशन से आपको समझ सकते हैं। ये सारे रिकंसिलेशन प्रोसेस वगैरह बिजी में ऑटोमेटिकली होगा, तो इसलिए एडवांस जीएसटी मैनेजमेंट करके हमने यहाँ पर लिखा है। बिजी में ऐसा एडवांस जीएसटी यूटिलिटी को यूज करके आपका काम और सिंप्लीफाई तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपको इनवॉइस एसएमएस करना है, पार्टी को बिल बना दिया, वो बोलेगा सर इनवॉइस कॉपी लेने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, आप व्हाट्सअप कर दो, एसएमएस कर दो, ईमेल कर दो, कोई भी ऑप्शन आपसे बोलेगा, तो वो उस हिसाब से आप उनको शेयर कर सकते हैं। ऑटो बैकअप यूटिलिटी प्रोवाइड करा गया है ताकि आपका डेटा सेफ एंड सिक्योर रहती है। नो वरी अबाउट योर डेटा बैकअप। सो एवरी डे 3 times आपका डेटा बैकअप ऑटोमेटिकली आपका ही गूगल ड्राइव पे सेव होगा। गूगल ड्राइव 15 GB का स्पेस फ्री रहती है उसमें, उसमें कोई चार्जेस तो नहीं होगा, वो फ्री स्टोरेज है, तो आपका ही खुद का गूगल ड्राइव पे ये डेटा सेव होगा। मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री कैप्चर कर सकते हैं, अगर आपका इन्वेंट्री स्टॉक मूवमेंट चेक करना है, अनमूव्ड आइटम्स कितना है, कौन से आइटम मूव नहीं हो रहा है, उसको ज़्यादा डिस्काउंट दे के आप बेच सकते हो आगे। उसके साथ साथ क्रिटिकल लेवल वगैरह सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास मिनिमम स्टॉक रहेगा गोडाउन पे और स्टोर पे, तो आपको एक वार्निंग अलर्ट पॉपअप होगा, वार्निंग आएगा। जैसे कि अगर आपके पास स्टॉक ज़्यादा है फिर वार्निंग आएगा, रीऑर्डर करने के लिए बिजी ने वार्निंग अपीयर करेगा। इस तरीके से अलग अलग इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं और इसका रिपोर्ट भी आपको डिस्प्ले सेक्शन में मिलेगा। साथ ही साथ आपको डीलर वाइज आइटम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट को भी चेक कर पाओगे। एक डीलर के प्रॉफिट देखना है, आइटम के प्रॉफिट देखना है, तो आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट मिला मेरे को इस सेल के अंदर, और सेल्समैन वाइज देखना है, नहीं तो आपको कुछ गोडाउन वाइज देखना है, सीरियल नंबर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी देखना है, सब कुछ तैयार है। तो ये भी आप बिजी में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए इस चीज को यूज कर सकते हैं। और उसके बाद सेल एंड परचेज एनालिसिस विद ग्राफ्स, ये भी बहुत जरूरी है। एंड ऑफ द डे सेल्स एनालिसिस करना, परचेज एनालिसिस करना बहुत यूजफुल ऑप्शन है आपको। ये विद ग्राफ आप कर सकते हो, एक एक आइटम वाइज भी कर सकते हो, एक एक पार्टी वाइज भी कर सकते हो। तो ये सारे आपको एडिशनल फीचर भी बिजी में मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स। सो अब आइए हम प्रैक्टिकल तरीके से इन चीजों को समझ लेते हैं, कैसे बिजी में हम इस ऑटोमोबाइल ट्रेडर्स के लिए इसको इम्प्लीमेंट करके यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से बिजी का सॉफ्टवेयर ओपन करा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से बैकग्राउंड इमेज वगैरह लगा के आपका सॉफ्टवेयर को और अट्रैक्शन कर सकते हैं, अट्रैक्टिव रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक सेल वाउचर एंटर कर रहा हूँ, जैसे कि कस्टमर आएगा दुकान पे, अगर वो मूविंग कस्टमर है फिर कैश कस्टमर होगा, उनका अगर मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर अगर वो पुराना एग्जिस्टिंग पुराना मतलब मूविंग कस्टमर है, पहले बार वो आ चुका था हमारे पास 1 month पहले 2 month पहले, उनका ट्रांजैक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे पास, तो फिर उनका मोबाइल नंबर डालने से ऑटोमेटिक उनका डिटेल्स आ जाती है। हर बार उनका डिटेल्स फिल करना जरूरी नहीं है। तो फिर उनका गाड़ी क्या है, टाटा नेक्सॉन है, उनका मोबाइल नंबर, उनका डिटेल्स, सब जानकारी आपके सामने आएगा। फिर इसको ओके करके आगे बढ़ते हैं। अगर वो मैकेनिक है, मैकेनिक का नाम भी यहाँ पर आप ले सकते हो लिस्ट पे, मैकेनिक का नाम यहाँ से क्रिएट करना हो तो F3 करके आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप आइटम के पास आओगे तो आइटम के पास यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करें, तो एक आइटम मैंने सेलेक्ट करा, फिर इनका ये वाली फोर्थ गियर करके आइटम है, ये कौन से ब्रांड का, कौन से मॉडल का है, कौन से ब्रांड का है, सब कुछ आपके सामने इस तरीके से ड्रॉप डाउन आ जाता है। ये जो आपका सारे इनवर्ड एंट्रीज हो चुकी है परचेज, तब आपके पास स्टॉक रहेगा, तब इस तरीके से पॉपअप ड्रॉप डाउन आपको मिलेगा, तो इसमें से सेलेक्ट करना है, वरना आप बारकोड से भी स्कैन करके भी कर सकते हो, तो आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको कॉन्फ़िगर करें। तो यहाँ पर मैं अभी एक आइटम ले रहा हूँ फोर्थ गियर करके, कोई भी एक आइटम, मारुति सुजुकी नहीं तो टाटा नेक्सॉन, कोई भी ले सकते हैं, टाटा नेक्सॉन का ही लेते हैं, BS5 BS6 ये सीरीज है, कार का नाम है नेक्सॉन, ब्रांड का नाम टाटा है, सीरीज BS5 है, MRP प्राइस सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद इसको ओके करेंगे। नेक्स्ट और एक इलेक्ट्रिकल आइटम्स हम सेलेक्ट करें, जैसे कि बैटरी हम सेलेक्ट करेंगे। बैटरी के लिए ये जो देख सकते हो यहाँ पर ब्रांड आ रहा है, मॉडल आ रहा है, सीरीज आ रहा है। अगर इसका सीरियल नंबर अगर आपको चाहिए, आपको सबको पता है बैटरी के लिए एक स्पेसिफिक सीरियल नंबर होगा, उसको वारंटी भी रहती है। सीरियल नंबर हम यहाँ से पिक कर सकते हैं लिस्ट पे,
उसके बाद वारंटी, यहाँ पर क्या वारंटी है, 12 मंथ का वारंटी है तो 12 मंथ को वहां पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। वारंटी हम हिसाब हमारे वो जो क्या वारंटी है वहां पे फिल कर देंगे, ताकि एंड ऑफ द डे आपको रिपोर्ट जनरेट हो जाता है, उस पे आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ये हो गया सेल्स वाउचर एंट्री। यहाँ पर मैंने कैश, ये देख सकते हो कैश 5982 रुपीज हो गई। अगर कस्टमर कैश पे करेगा तो कैश पर हम ऐड करें, अगर वो कस्टमर यूपीआई से करेगा तो फिर यूपीआई में एंटर करना है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कोई अलग तरीके से पेमेंट करेगा तो फिर यहाँ पर ऐड करना है, कार्ड पेमेंट करेगा तो फिर यहाँ पर करना है। तो ये सारे आपको सेटलमेंट का एंट्री है। फाइनली एंड ऑफ द डे आपने ये एनालाइज कर सकते हैं, आज का दिन कितना कार्ड पेमेंट मेरे पास आ गई, कितना कैश पेमेंट आ गई, कितना यूपीआई मेरे को कलेक्ट हो गई। तो ये सब कुछ आपको रिपोर्ट जनरेट हो जाती है आफ्टर दिस एंट्री। तो यहाँ पर देखिए 5982 रुपीज है ना, तो इसको मैंने कस्टमर से मैंने 6000 रुपीज रिसीव कर दिया, 6000 रुपीज मैंने रिसीव कर दिया, बाकी कितना वापस करनी है वो जो चेंज है 18 रुपीज, वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपको दिखा देगा 18 रुपीज वापस करना है। ये हो गया सेटलमेंट एंट्री, हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव के बाद ये जो प्रिंट आउट आप निकालते हो तो आपको अलग अलग डिफरेंट साइज पे प्रिंट आउट डिजाइन कर सकते हैं, A5 साइज में चाहिए तो A5 में कर सकते हैं, छोटा वाला पेपर में चाहिए, थर्मल प्रिंटर पे है, प्रिंटर पे प्रिंट करना है तो 3 इंच 4 इंच को आप कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने A4 में डिजाइन में दिखा दूंगा, A4 मतलब बड़ा पेपर है। तो यहाँ पर आपका कंपनी का लोगो, कंपनी का इंफॉर्मेशन, पार्टी का डिटेल्स, इनवॉइस का डिटेल्स, आइटम का डिटेल्स, सब कुछ प्रिंट होके आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो आइटम के नीचे ये जो टाटा का गाड़ी है, नेक्सॉन का मॉडल है, BS5 है, तो ये सारे डिटेल्स भी प्रिंट होगा। सेकेंड लेवल इन्वेंटरी फीचर्स जो हमने एनेबल करी है बीजी में, तो इसी हिसाब से आपको वो इन्फॉर्मेशन भी इनवॉइस में प्रिंट हो जाता है। इसमें आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाती है कि आपने क्या सेल किया है, अगर आने वाले समय पे आपको कुछ इसका डिटेल्स चाहिए वो रिपोर्ट में सब कुछ मिल जाता है। नीचे भी आप देख सकते हैं आपका बैंक डिटेल्स, टर्म्स एंड कंडीशन, यूजर सिग्नेचर्स, सारे डिटेल्स प्रिंट होगा। प्रिंट आउट लेने के बाद कस्टमर को ईमेल करना है और व्हाट्सएप SMS करना है तो तुरंत यहाँ से आप कर सकते हो। तो इस तरीके से व्हाट्सएप का ये जो फंक्शनैलिटी बीजी में दिया गया है, ये भी बहुत यूजफुल फीचर है रिटेल ट्रेडर्स के, रिटेल के लिए, क्योंकि आज के दिन डिजिटल कॉपी पॉपुलर है, कोई लोग सॉफ्ट कॉपी मतलब हार्ड कॉपी लेके नहीं जाएगा, वो सब लोग सॉफ्ट कॉपी आज के दुनिया में ले रहे हैं, तो इसलिए आप इस फीचर को यूज करके पेपर का कॉस्ट बच सकते हो। मैं यहाँ पर हमारा एक नंबर डाल देता हूँ, ये नंबर को डाल के हम यहाँ से ओके कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली PDF का इनवॉइस कॉपी कस्टमर के पास व्हाट्सएप पर लिंक के रूप में चला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक ये जो जा रहा है, इस लिंक को क्लिक करके इनवॉइस कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो हमने प्रीव्यू में देखा था वही इनवॉइस कॉपी कस्टमर के पास चला गया। अब कस्टमर इसको डाउनलोड करके वो सेव करके रख सकते हैं, नहीं तो वो कॉपी को प्रिंट करके उनका फाइल में डाल के रख लेता है। तो इस तरीके से व्हाट्सएप फीचर, ईमेल फीचर, बीजी में सब कुछ रेडी है, आपको ये यूजफुल फीचर है, इसको आप यूज कर सकते हो। ये हो गई हमारा सेल वाउचर एंट्री। अगर कोई रेगुलर कस्टमर है तो फिर रेगुलर कस्टमर के लिए भी आप इस तरीके से लेजर अकाउंट बना सकते हो उनका, कस्टमर का, फॉर एग्जाम्पल दीवान ऑटो ट्रेडिंग कंपनी, मारुति सुजुकी, कुछ तरीके इस तरीके से कोई भी पार्टी का एक एक लेजर अकाउंट बना के आप उनका नाम पे बिल राइज कर सकते हो, फिर उनका लेजर अकाउंट पर ये पोस्ट होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक आइटम मैंने ऐड करा, फिर ये क्रेडिट पे उधार में लेता है तो फिर हम यहाँ पर ये स्पेसिफिक फील्ड है ना यहाँ पर डाल देना है तो आउटस्टैंडिंग वहाँ पर दिखेगा। अगर यहाँ पर हम डाल देते हैं तो ऑटोमेटिक पेमेंट क्लियर हो जाता है। अगर यहाँ पर आप पोस्ट करोगे मतलब यहाँ पर ये वैल्यू को एंटर करोगे ना तो आउटस्टैंडिंग बच जाती है, अगर वो बाद में पेमेंट करेगा तो फिर हम यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने एक रेगुलर कस्टमर को भी बिल बीजी में राइज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जाते हैं सेल्समैन वाइज कमीशन एंड प्राइजिंग कैलकुलेशन की तरफ, हम वो करते हैं। अगर हर एक कस्टमर के पहले हम प्राइजिंग को देख लेते हैं, प्राइजिंग अलग अलग कस्टमर के लिए सेट करना है तो बीजी में कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दिया गया है पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर। पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर में जाके एक पार्टी का स्पेसिफिक ग्रुप है सनड्राइड डेबिटर, सनड्राइड डेबिटर के अंदर
ये जो ग्रुप है उनको एक्सेसरी के लिए 5% का डिस्काउंट जाना चाहिए, बॉडी पार्ट के लिए 4% का डिस्काउंट है, ब्रेक पार्ट के लिए 8%, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए 2%, इंजन पार्ट के लिए 5%, हर हर एक ग्रुप के लिए यहाँ पर डिस्काउंट बताया गया है। यदि आपको डिस्काउंट बताना है बता सकते हो, वरना सेल्स प्राइस भी यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो, ताकि डिस्काउंट देने से डिस्काउंट अप्लाई होगा, सेल प्राइस देने से सेल प्राइस वहाँ पे अफेक्ट करेगा। तो ये हो गया डिस्काउंट और प्राइस स्ट्रक्चर कॉन्फिगरेशन। ये करने के बाद यहाँ पर हम एक एंट्री करके देख लेते हैं, जैसे कि एक पार्टी का नाम है फॉर एग्जांपल बबलू पांडे। बबलू पांडे आपका एक कस्टमर है, सनड्राई डेबिटर है, यहाँ पर देख एक क्रेडिटर है, एक्चुअली डेबिटर का हम ले लेते हैं। ये देखिए आर के कार ऑटो वर्क सेंटर, इनके लिए मैंने कोई एक्सेसरी का आइटम लेता हूँ, नहीं तो बॉडी पार्ट का आइटम लेता हूँ, तो कितना प्राइस यहाँ पर आ रहा है? देखिए प्राइस तो नहीं आ रहा है, डिस्काउंट आ रहा है 4%। मैंने तो डिस्काउंट कॉन्फिगर करा था तो इसलिए 4% डिस्काउंट आ गई। अगर कोई और आइटम लेता हूँ यहाँ से एक्सेसरीज, देखिए एक्सेसरीज के लिए मैंने वहाँ पर कॉन्फिगर करा था 5% डिस्काउंट। सो अगर कोई और प्रोडक्ट लेता हूँ फ्यूल सिस्टम वर्क्स, इसके लिए आ रहा है 6% डिस्काउंट। तो ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर सेंस करेगा इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट ग्रुप के लिए क्या डिस्काउंट जाना चाहिए बेस्ड ऑन द पार्टी ग्रुप, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। जस्ट आप उसको डिफाइन करके रखना पड़ेगा। ये हो गया प्राइसिंग एंड डिस्काउंट स्ट्रक्चर। आगे हम देख लेते हैं कमीशन कैसे कैलकुलेट होता है। अगर सेल्समैन का हमने मैकेनिक करके हमने क्रिएट करके बिल बनाया है, मैकेनिक के लिए ऐसा बताया गया है भाई आपने मेरे को ऑर्डर दे दो, कस्टमर का ऑर्डर दे दो, मेरे से गुड्स खरीद लो ताकि मैं कुछ कमीशन आपको दे दूंगा। एंड ऑफ द मंथ कमीशन कैलकुलेशन रिपोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगा डिस्प्ले में, कमीशन कैलकुलेशन सेल परचेज रिपोर्ट। यहाँ पर एक मैकेनिक का देख सकते हो, ऑल मैकेनिक का भी देख सकते हो, दोनों ऑप्शन दिया गया है। एक मैकेनिक के लिए देखना हो तो उसका नाम लेके डेट बताना है, फिर यहाँ पर रिपोर्ट आपको मिल जाएगा 2981 रुपीज कि किस किस बिल उनको उनका नाम पे रेज हुआ है बिजी पे, तो सारे डिटेल्स यहाँ पर बिल नंबर डेट के साथ आ जाता है और कमीशन वैल्यू लास्ट कॉलम में दिया गया है। यहाँ से अगर कमीशन आप पे करोगे ना तो ये कमीशन कंपनी का एक्सपेंस होता है, फिर हम एक जर्नल वाउचर पोस्ट करना जरूरी है, तो फिर यहाँ से F4 करके जर्नल एंट्री भी हम कर सकते हैं ताकि आपका फाइनल रिजल्ट्स P&L बैलेंस शीट वगैरह है उसमें ये वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये सब कुछ बिजी में ऑटोमेटेड है, तो ये कमीशन कैलकुलेशन वगैरह आप बिजी में ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट हो जाता है, उसके हिसाब से जेबी भी पास कर सकते हो। यदि ऑल सेल्समैन का देखना है तो फिर ऑल सेल्समैन के रिपोर्ट ले सकते हैं, तो इसमें हर सेल्समैन के नाम के साथ उसका कमीशन वैल्यू शो करेगा, क्या बिल अमाउंट है, क्या सेल अमाउंट है, क्या कमीशन देना है, सब कुछ यहाँ पे एक ही रिपोर्ट में सबका मिल जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा, जैसे कि कोई पार्टी बोलेगा सर मेरा वारंटी है लेकिन मेरा प्रोडक्ट लेके गया था ना वो काम नहीं कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, ताकि मैं यहाँ से सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट में जाके एक आइटम का और ऑल आइटम का सीरियल नंबर चेक कर सकते हैं। जैसे कि बैटरी करके यहाँ से मैंने ले रहा हूँ, बैटरी करके लेने के बाद ओके करूँगा तो देख सकते हैं कि मैंने मेरे पास मतलब ये सीरियल नंबर स्टॉक हो गई, मेरे को वारंटी देखना है, मेरे को वारंटी देखना है, तो यहाँ पर सीरियल नंबर हिस्ट्री में आऊँगा, यहाँ पर एक कोई भी प्रोडक्ट का सीरियल नंबर यहाँ पर फिल करके ओके करने से उसका वारंटी का पीरियड भी दिख जाता है। यहाँ पर देख सकते हो कितना दिन का वारंटी है, 6 मंथ का है, लास्ट डेट ऑफ वारंटी क्या है, 16 नवंबर है, तो अंडर वारंटी है तो यस आएगा, नहीं तो नो आएगा। तो ये वारंटी रिलेटेड रिपोर्ट है, तो कोई भी एक सीरियल नंबर को डाल के हम इसको चेक कर सकते हैं, ये जरूरत पड़ता है आपका इंडस्ट्री में, क्योंकि कस्टमर्स कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लेके जाता है वारंटी में रहता है, तो फिर उसका सीरियल नंबर के हिसाब से ट्रैक करना बहुत इजी है बिजी में, तो ये फंक्शनैलिटी के साथ। इसी के साथ साथ आपको ये भी चेक करना जरूरी है कि किस ब्रांड का क्या स्टॉक आपके पास पड़ा है, तो ये देखने के लिए आपको यहाँ पर ये फेवरेट्स मेनू करके भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आपका डेली यूज में क्या क्या फीचर्स यूज होता है, क्या क्या रिपोर्ट यूज होता है, क्या क्या जरूरी है, तो सबको आप इस तरीके से फेवरेट्स मेनू ऐड कर सकते हो। फेवरेट्स मेनू ऐड कैसे करें, जैसे कि आप यहाँ पर एक ऑप्शन है पेमेंट करके, ये आपको डेली यूज में यूज होता है तो फेवरेट्स में डाल दीजिए, फेवरेट्स में डालने से ये यहाँ पर आ जाएगा, और बाकी कुछ मेनू आपको शो कर रहा है उसको हाइड भी कर सकते हो, जस्ट आपको फेवरेट्स का मेनू तभी विजिबल होगा।
तो ये क्या होगा, आपको यूज करने में बहुत ईजी होगा। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाती है। मैं अभी आपको बोल रहा था कि ब्रांड वाइज देखना है करके, तो ब्रांड वाइज मॉडल वाइज चेक करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है ब्रांड एंड मॉडल वाइज इन्वेंट्री। इसमें बैलेंस भी देख सकते हैं, ईच एंड एवरी गोडाउन का, अलग अलग गोडाउन का भी देख सकते हैं, ऑल गोडाउन का भी देख सकते हैं, और ऑल आइटम का भी देख सकते हैं, ग्रुप ऑफ आइटम का भी देख सकते हो। तो यहाँ पर अभी कोई स्टॉक नहीं है, मेन स्टोर में देख लेंगे। तो मेन स्टोर में भी कोई स्टॉक नहीं है, और या मेन स्टोर में स्टॉक है तो यहाँ पर एक आइटम है फोर्थ गियर करके, 43 क्वांटिटी है मेरे पास, महिंद्रा का ब्रांड है, स्कॉर्पियो का कार है। तो इसका सीरीज में आ रहा है, क्लासिक सीरीज। इसका MRP है 5699, सेल प्राइस 5100, दो क्वांटिटी है। तो नीचे आप देख सकते हो महिंद्रा का TUV 300 का क्लासिक मॉडल है, 4569 है इसका MRP, 4200 है सेल प्राइस, फोर क्वांटिटी है। ये स्टॉक स्टेटस आप देख रहे हो यहाँ पे। सो ईच एंड एवरी गोडाउन के अनुसार, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, ब्रांड का अनुसार, उसका एट्रीब्यूट के अनुसार आप इसको रिपोर्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे काफ़ी जरूरी है इसको एनालाइज करना। अगर अगर इसको आप एनालाइज नहीं करोगे तब आपको रीऑर्डर करना मुश्किल होता है, कि आपके पास क्या ब्रांड का कितनी स्टॉक है आपको पता नहीं होता है, तो रीऑर्डर करना मुश्किल होता है। तो फिर कस्टमर आके आपसे पूछेगा मेरे को ये ब्रांड का स्टॉक चाहिए करके, तब आपके पास स्टॉक नहीं होगा। तो डिटेल रिपोर्ट आपको देखना है, तो डेट के हिसाब से डिटेल रिपोर्ट भी यहाँ पर आपको विजिबल होगा। इस तरीके से डिटेल में आएगा, ओपनिंग क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी कितना इनवर्ड हुई, कितना आउटवर्ड हुई, कितनी स्टॉक बचा है, तो ब्रांड, कार का नाम, उसका मॉडल के अनुसार आपको ये सब कुछ देख सकते हो। यदि आपको एरिया वाइज डीलर का रिपोर्ट देखना है, एरिया वाइज डीलर का रिपोर्ट आपको इस तरीके से मिलेगा, किस एरिया का, आप इसको कस्टम कॉलम करके एक फंक्शनैलिटी है बिजी में, उसको यूज कर सकते हो। कस्टम कॉलम में आप क्या कॉलम लगाना है उस कॉलम को लगा सकते हैं आपके हिसाब से, फिर उसको रिपोर्ट में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। वो रिपोर्ट आपको इस तरीके से आएगा, देख सकते हैं स्टेट का नाम आ गई, एरिया का नाम आ गई, नाम आ गई बलजीत सिंह करके। तो अलग अलग फिल्टर्स के अनुसार आप इसको यूज कर सकते हैं। तो कश्मीरी गेट का ये जो अकाउंट है, तो इनका नाम है RK कार ऑटो वर्क सेंटर, दिल्ली का स्टेट है ये, एरिया वाइज देख सकते हैं डीलर का नाम। साथ साथ आपको कलेक्शन रिपोर्ट भी जरूरी है। कलेक्शन रिपोर्ट आपको एंड ऑफ द डे आपका कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस को टैली करने के लिए यूज होता है, कि आज के दिन कितना बैलेंस मेरे पास आ गई, किस तरीके से मेरे पास आ गई, UPI से आ गई क्या, कार्ड से आ गई क्या, कैश कलेक्ट हुई क्या, तो सारे आपको मैच करना जरूरी होता है। तो इसीलिए आपको ये रिपोर्ट बहुत यूजफुल है। तो इसमें देखिए कॉलम वाइज आ रहा है, कैश कितना कलेक्ट हुआ, UPI कितना कलेक्ट हुआ, कार्ड कितना कलेक्ट हुआ। अगर इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए प्रिंट करना है, प्रीव्यू लेना है, PDF एक्सपोर्ट करना है, एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करना है, अगर ओनर के पास मेल करना है, व्हाट्सअप करना है, तो सब कुछ बिजी में रेडीमेड है। तो आप इसको यूज करके आपका रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। जैसे कि मेल करना हो तो यहाँ से मेल भी कर सकते हैं, कोई भी मेल आईडी है आपका, ओनर का हो, आपका हो, कुछ भी हो, तो उस पर आप यहाँ पर मेल आईडी डाल के डायरेक्टली यहाँ से अटैचमेंट भी चला जाता है, सेंड भी कर सकते हैं। तो अभी मेल चला गया। तो ये है सेटलमेंट डिटेल्स एंड ऑफ द डे। साथ साथ आपको मैकेनिक वाइज कमीशन रिपोर्ट का ये जो रिपोर्ट है, एक मैकेनिक, ऑल मैकेनिक का भी देख सकते हैं। इसको हमने पहले भी एनालाइज किया हुआ था। तो देखिए इस तरीके से कमीशन कैलकुलेशन रिपोर्ट इसी में मिलेगा, ये भी आप प्रिंट भी कर सकते हो। गोडाउन वाइज स्टॉक देखने के लिए MC वाइज स्टॉक का रिपोर्ट है, अगर ऑल आइटम का देखना है, नहीं तो एक सिर्फ एक ग्रुप ऑफ आइटम का देखना है, जैसे कि ल्यूब्रिकेंट करके ग्रुप का गोडाउन वाइज स्टॉक देखना है, तो इस तरीके से मिलेगा। आइटम के नाम है, उसका यूनिट है, मेन स्टोर में कितना स्टॉक है, गोडाउन में कितना स्टॉक है। अगर मल्टीपल गोडाउन रहता है तो सब गोडाउन का एक साथ रिपोर्ट मिलेगा आपको। मेन स्टोर का भी रिपोर्ट इसी रिपोर्ट में आएगा, गोडाउन का भी आएगा। तो ये देखने के लिए आपको बहुत ईजी होता है। तो कल के दिन आपको ऐसा रिपोर्ट आपको जरूर पड़ता है, तो ये बिजी में रेडीमेड है, तो इसको यूज करके आप देख सकते हो। साथ ही साथ पेमेंट वगैरह करना है, किसी को पेमेंट देना है, पेमेंट कलेक्ट करना है, तो ये सब कुछ आपको ईजी है बिजी में। पेमेंट एंट्री वगैरह, किसी को पेमेंट देना है तो 1000 rupees आप दे रहे हो, कैश दे रहे हो, कैश आपने एंटर करें, चेक दे रहे हो तो आपका बैंक का नाम एंटर करें, फिर पेमेंट करते हैं, तो ये पेमेंट हो गई। अगर किसी से पेमेंट आ गई तो यहाँ पर और एक फेवरेट्स का मेनू ऐड कर सकते हैं रिसिप्ट करके। ये सब अकाउंटिंग वाउचर है,
सो अकाउंटिंग वाउचर आप एक्सपेंस कोई एक्सपेंस पे करोगे, नहीं तो किसी से पेमेंट आता है, किसको पेमेंट देते हो, इस सिनेरियो में आपका अकाउंटिंग एंट्रीज भी यहाँ से फेवरेट्स मेनू में डाल के भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई से एडवांस आ गई, नहीं तो किसी से पेमेंट आ गई, कहाँ से आ गई, उसका नाम कितना आ गई, और उसका बिल बाय बिल रेफरेंस मैनेज होता है यहाँ से, बिल बाय बिल रेफरेंस भी मैनेज कर सकते हो, ड्यू डेट वगैरह मैनेज कर सकते हो। अगर आपको कैश आ गई तो कैश करके लेना है, चेक आ गई तो बैंक का नाम लेना है, फिर इसको सेव करेंगे। ये हो गया आपका कैश इन कैश आउट एंट्री। साथ साथ आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट भी एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि बिल वाइज प्रॉफिट देखना है, पार्टी वाइज देखना है, गोडाउन वाइज देखना है, मैकेनिक वाइज देखना है, आइटम वाइज देखना है, पैरामीटर वाइज देखना है, सीरियल नंबर वाइज देखना है। देखिए एक रिपोर्ट के अंदर बिजी में कितने सारे रिपोर्ट अवेलेबल हैं, तो ईच एंड एवरी रिपोर्ट आर अवेलेबल। सो अगर आपको कोई भी रिपोर्ट ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं है करके, अगर नहीं है तो भी आपने खुद कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं, कस्टम कॉलम, कॉलमनार रिपोर्ट, सब कुछ बिजी में है, ओपन प्लेटफॉर्म है, उसमें जाके कोई भी रिपोर्ट आप खुद बना सकते हो। तो ये हमारा बिल वाइज प्रॉफिट है। तो इस बिल पे मैं आप देख सकते हो, पहले बिल मेरा कॉस्ट अमाउंट था 4056, सेल अमाउंट है 14,364, फाइनली द प्रॉफिट विल बी 10,307, प्रॉफिट परसेंटेज आई अर्न 254.10%। तो जैसे आपको एक एक बिल वाइज प्रॉफिट यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अगर पार्टी वाइज देखना है तो पार्टी वाइज देख सकते हैं, गोडाउन वाइज देखना देख सकते हैं, मैकेनिक वाइज भी देख सकते हैं, मैकेनिक वाइज कितना प्रॉफिट अर्न हुई है। देखिए बलजीत सिंह करके एक मैकेनिक है, उन्होंने आपको 21,701 रुपीज 0.52 पैसा का प्रॉफिट आपको दिया है, मतलब वो सेल लेके आया था अपने, उनसे आपको इतना प्रॉफिट हुई, तो इतना प्रॉफिट हुई है, ये रिपोर्ट आप यहाँ से समझ सकते हो। पैरामीटर वाइज भी प्रॉफिट एनालाइज कर सकते हैं, पैरामीटर वाइज ये इस तरीके से आएगा, फोर्थ गियर करके एक प्रोडक्ट है, तो इसका प्रॉफिट आपको इतना मिला है। अगर इसका कुछ ऐसा फिल्टरिंग बीसी के अंदर दिया गया है, इसके अंदर सेल्स रिटर्न इंक्लूड करना है, अगर कोई सेल्स रिटर्न हुई है तो इसको यस करके रिटर्न भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। डिटेल्ड रिपोर्ट अगर आपको चाहिए तो डिटेल्ड रिपोर्ट भी देख सकते हो, हर एक ब्रांड, हर एक कार, हर एक उसका मॉडल के साथ आपको प्रॉफिट एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि पहले रो पे आप देख सकते हो महिंद्रा का गाड़ी है, स्कॉर्पियो है, क्लासिक मॉडल है, तो इसका सेल प्राइस है 5,100, कॉस्ट प्राइस 1,230, 3 क्वांटिटी हमने सेल करा था, इसका प्रॉफिट आपको आ गई 11,610 रुपीज, परसेंटेज है 75.88%। तो हर एक मॉडल, हर एक ब्रांड, हर एक मॉडल, हर एक कार के हिसाब से आप प्रॉफिट एनालाइज कर सकते हो। अगर बिजी में सॉर्टिंग, सर्चिंग, फिल्टरिंग सब कुछ है, बिजी की बात करें, सॉर्टिंग, सर्चिंग, फिल्टरिंग सब कुछ है बिजी में, तो अगर सारे महिंद्रा का एक साथ आना चाहिए तो फिर यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना तो सारे महिंद्रा का गाड़ी का सब कुछ एक ही साथ आ जाता है। यहाँ पर सॉर्टिंग ऑप्शन है, और आपको सर्च करना है तो सर्चिंग ऑप्शन है, समरी देखना है तो समरी है, फिल्टर करना हो तो फिल्टर है, सब कुछ यहाँ पर रेडी है रिपोर्ट के अंदर, आप कोई भी कर सकते हो। और इसके बाद हम देखते हैं कोटेशन ऑर्डर चलन। कभी ऐसा होता है कस्टमर बोलेगा जी मेरे को इतना आइटम चाहिए, एक बेस्ट प्राइस आपको आपने मेरे को देना है, तो फिर कोटेशन आप राइज कर सकें। तो कोटेशन एंट्री यहां से आप देखिए, एक मैकेनिक बता देगा कि मेरे को इतना आइटम्स चाहिए, नहीं तो एक कस्टमर बोलेगा कि मेरे को इतना आइटम चाहिए, आप क्या प्राइस में दे दोगे। मैं यहाँ से आइटम ले रहा हूँ, एसी रेडिएटर असेंबली, तो ये मैं यहाँ पे पार्टी का नाम ले लिया, आइटम ले लिया, फिर उसके बाद ये जो मॉडल, ब्रांड, ये सब कुछ मैंने ले लिया और प्राइस वगैरह यहाँ पे बताया। फिर ये दूसरा आइटम ले रहा हूँ, एसी बेल्ट है, तो ये प्राइस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 3,000 रुपीस, चेंज भी कर सकते हैं प्राइस। उसके बाद मैं ये वाली वाउचर को सेव कर दिया, ये हो गया कोटेशन। कोटेशन एंट्री करने के बाद इसका प्रिंटआउट आपको इस तरीके से मिलेगा, ये जो कोटेशन का इनवॉइस फॉर्मेट है, तो इस तरीके से आपके पास प्रिंटआउट आती है। कोटेशन राइज करने के बाद अगर ये ऑर्डर कंफर्म होगा तो फिर इसी कोटेशन को सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पार्टी का नाम प्रॉपरली सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पर F11 प्रेस करनी है। F11 प्रेस करने से हमारा वो जो पेंडिंग पड़ा है ऑर्डर आ जाता है। मैं यहाँ पर ऑर्डर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑर्डर मैनेजमेंट एनेबल करी हूँ, तो इसलिए ऑर्डर आ रहा है। अगर मैं कोटेशन लेना है तो यहाँ पर कोटेशन भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पास अभी कोटेशन मैंने एंटर करा, कोटेशन एंटर करने के बाद ऑर्डर करना है, ऑर्डर के बाद सेल्स करना है, क्योंकि मैंने ऑर्डर एनेबल करी हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आऊँगा मैं सेल्स में,
सो पेंडिंग ऑर्डर है ना मेरे पास, ये मैं सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर पार्टी का नाम ले लेंगे, आरके ऑटोमोबाइल F11। ऑल ब्रोकर लेना है क्या, वन ब्रोकर लेना है, डिसाइड कीजिए। ये जो मेरा ऑर्डर है, तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली यहाँ पर हम लोड कर सकते हैं, तो फिर इसको हमने सेव करेंगे। एडजस्टमेंट कुछ एडवांस वगैरह रिसीव हुई है तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं उस वैल्यू को। अगर वो 20,000 एडवांस दिया है तो उसमें से 18,614 बिल वैल्यू हो गई, तो एडजस्ट करके हम बिल बना सकते हैं। तो ये रहा एडजस्टमेंट। अगर आपको ऑर्डर से एडजस्ट भी कर सकते हैं, कोटेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, पहले मैंने कोटेशन बनाया था, अगर वही कोटेशन को अगर एडजस्ट करना हो तो यहाँ पर F11 करेंगे। देखिए, मैंने वो जो कोटेशन बनाया था उस कोटेशन को ऑर्डर में एडजस्ट कर सकते हैं, और ऑर्डर बनाया था उसको मैं सेल्स में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर नहीं करना है तो ऑर्डर को बंद कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, डायरेक्टली कोटेशन बना के उसको डायरेक्टली सेल्स में एडजस्ट कर सकते हैं। सो तारे सारे ऑप्शंस बिजी में रेडीमेड रहती है, आपको कैसे चाहिए उस हिसाब से हम बिजी में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपको सारे रिक्वायरमेंट बिजी में सारे सॉल्यूशंस बिजी में मिल जाता है। तो ये रहा एडजस्टमेंट एंट्री। अगर इसका पेंडिंग देखना है, कितना पेंडिंग पड़ा है, कितना कोटेशन पेंडिंग है, कितना मैं फुलफिल करना बाकी रखी है, तो सब कुछ यहाँ से आपको जानकारी मिल जाता है। पेंडिंग कोटेशन आइटम वाइज और पेंडिंग कोटेशन पार्टी वाइज। अगर पार्टी ने 10 आइटम आपसे बताया था, आपने 5 आइटम उनको दे दिया क्योंकि आपके पास स्टॉक नहीं था, फिर उसका पेंडिंग कितना है, तो यहाँ पे रिपोर्ट आपके पास होगा, इसको चेक कर सकते हो। इस पार्टी के लिए मैंने 6 क्वांटिटी पेंडिंग पड़ा है, इनको मैं स्टॉक खरीद के फुलफिल करना पड़ेगा, मतलब उसको डिलीवरी करना है, ऐसा करके ट्रैक कर पाओगे। तो उसके बाद सीरियल नंबर वाइज स्टॉक रिपोर्ट देखना है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होगा उसको अल्टीमेटली सीरियल नंबर होगा, एक एक प्रोडक्ट के अनुसार आपके पास कितना स्टॉक है वो आप सब कुछ यहाँ से चेक कर सकते हैं। बैटरी का B2H004 का सीरियल नंबर एक पीस है आपके पास, दूसरे बैटरी का B2H005 आपके पास एक पीस है, बैटरी टर्मिनल एंड इतनी है करके एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपके हाथ में मिलेगा। वारंटी ट्रैकिंग करना है, ये तो मैंने पहले ही बताया था आपको, वारंटी ट्रैकिंग इस तरीके से होगा। ये जो रिपोर्ट है तो देख सकते हैं, वारंटी मंथ, वारंटी डेट, अंडर वारंटी है क्या नहीं है, तो ये सारे डिटेल्स आपको एक ही रिपोर्ट में मिलेगा। तो सीरियल नंबर आप एंटर करना जरूरी है, तो सीरियल नंबर एंटर करने से ये जो वारंटी ट्रैकिंग आप कर पाओ। तो ये है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस स्पेसिफिक इंडस्ट्री कॉल्ड ऑटो स्पेयर पार्ट्स इंडस्ट्री। सो ये जो स्पेसिफिक वेबिनार हमने रिटेलर ट्रेडर के लिए हमने कंडक्ट किया है, तो ये कोई सर्विस का रिलेटेड वेबिनार नहीं है। ऑटोमोबाइल्स का सर्विस का रिलेटेड वेबिनार आने वाले समय पे हम करते हैं, लेकिन आज का ये जो वेबिनार था स्पेसिफिकली फॉर ट्रेडर्स एंड रिटेलर्स। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने ये जो बताया है आज के दिन, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर है। तो इसको लेके अगर आपको कोई क्वेश्चंस रहेगा तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो ये इम्प्लीमेंटेशन करने में कोई भी सवाल आता है, अगर उसमें उसको एनेबल करने में कोई चैलेंजेस आता है, तो आप हमारा टेक्निकल टीम से भी बात कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल फॉर 24/7 फॉर यू। अवर नंबर इज डिस्प्लेइंग हियर, हमारा नंबर यहाँ पर दिया गया है 8282828282। और अगर आपको सपोर्ट पे कोई स्पेसिफिक सवाल सॉल्व नहीं होता है, तो अगर आप मेल भी लिख सकते हो support@bc.in, ताकि हम हमारे एंड से सीनियर टीम आपको कॉल करेगा और आपको क्वेश्चन को आंसर करेगा, साथ ही साथ आपका प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू ज्वाइनिंग दिस वेब।